वेलकम है गाइस, आप सबका एक और वीडियो में। सबसे पहले आप मेरी लुक देख रहे होंगे कि मैंने ये बियर्ड पर लगाया हुआ है और सिर पर ये डाला हुआ है। एक्चुअली मैं अब ड्रेस से पता लग जाएगा आपको कि मैं काम पर हूँ। तो मैं इस वक्त फैक्ट्री में हूँ और मेरी ब्रेक हुई थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर करनी है आपसे। और आपको मैं थोड़ा दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो मैं इस वक्त जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो मेरी लास्ट वीडियो एक देखी है जॉब वाली, वो मैंने की थी फ्लावर कंपनी में। तो अभी मैं इस वक्त फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर एक काम होता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा यहाँ पर क्या होता है। तो तीन चार बातें आपसे शेयर करनी है। मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं लगा क्योंकि ईस्टर हॉलीडेज चल रही थी, और ईस्टर हॉलीडेज में आपको पता है कि आप जो एजेंसी है आपको फुल टाइम काम दे देती है, चार पाँच दिन छः दिन आपको वीक में मिल जाते हैं, 40 घंटे आप कर सकते हो। तो बिल्कुल मुझे टाइम ही लगा, तो मैं जॉब पर ही था। मैंने कहा चलो व्लॉग भी बनाएंगे और साथ के साथ आपको शेयर भी कर दूंगा कि यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने आपको दिखाना है यहाँ पर क्या वर्क होता है, फैक्ट्री कितनी बड़ी है, तो ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत आते हैं काम करने, मुझे मिलते भी हैं, मेरे दोस्त यहाँ पर सभी कर रहे हैं काम। तो सबसे पहले आप मुझे पूछते हो कि यूनिवर्सिटीज यहाँ पर कौन सी बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कमेंट भी आते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं। मैंने गाइस आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टडी सभी में सेम होती है, कोई डिफरेंट नहीं है। बाकी देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लंदन में है उनकी फीस ज़्यादा है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंकिंग, बहुत ज़्यादा टॉप रैंकिंग में आती हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो घर वाले हैं वो फीस मैनेज कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी सिटीज़ में, तो एवरेज फीस मैं आपको बताता हूँ। आप फीस भी पूछते हो कि इस कोर्स की फ़ीस कितनी है, तो मैं फ़ीस आपको बता दूँ, यहाँ पर एवरेज फ़ीस है ट्यूशन फ़ीस एक साल की 10,000 से 15,000 है, चाहे आप बैचलर डिग्री कर रहे हो चाहे आप मास्टर डिग्री कर रहे हो। तो जो एवरेज फ़ीस है वो 10,000 से 15,000 है। अगर आप जो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ पीछे बताई हैं आप उन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पर फ़ीस 20,000 से 25,000 है। तो बहुत ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस है, वो डिपेंड करता है आप पे। क्लासेस अभी देखो ऑनलाइन चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इस सेमेस्टर में क्लासेस हैं जो फेस टू फेस होंगी। जो अगला सेमेस्टर आएगा तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि उसमें जो क्लासेस होंगी फ़ेस टू फेस होंगी। कोरोना केसेस कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अभी वैक्सीनेशन भी चल रहा है। और 12 तारीख को आपको पता होगा जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, 12 तारीख को यहाँ पर शॉप्स वगैरह ओपन हो जाएंगी, जिम ओपन हो जाएगा। तो सारा लॉकडाउन ओपन नहीं होगा, 12 तारीख को होगा। तो उसके बाद ये कहते हैं जून में और मई में पूरा टोटली ओपन करेंगे जैसे सिचुएशन देखेंगे। तो केसेस तो अभी कंट्रोल में आ रहे हैं, बाकी जिनके नर्सिंग का कोर्स है या जिनका प्रैक्टिकल होता है तो वो जाते हैं यूनिवर्सिटी, एक और दो दिन जाते हैं। मैंने देखा था यूनिवर्सिटी में, मेरी यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं तो वो जाते हैं एक दो दिन के लिए, जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जितना पॉसिबल है वो ऑनलाइन क्लासेस ही लग रही हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनका कैश लेटर नहीं आ रहा, वो भी यूनिवर्सिटी अभी अप्रैल में इस मंथ में करेंगी इशू, 15 से 20 अप्रैल को सुना है कि इशू करने स्टार्ट कर देंगे। आपको दो तीन चीज़ें बतानी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके इस रिगार्डिंग में मैसेज आ रहे थे, कमेंट आए थे कि आप यूनिवर्सिटी का बताओ, फीस का बताओ, क्लासेस का बताओ और बाकी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो ये आप ज़्यादा पूछते हो। तो खैर मैं अभी इस वक्त काम पे हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है, यूके की फैक्ट्रीज कैसी होती हैं। तो जो लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ मैं फ्लावर कंपनी में मैंने काम किया था काफ़ी टाइम, तो वहाँ पे जॉब काफ़ी इजी थी, यहाँ पर भी इजी है, थोड़ा खड़े रहना है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अभी इस वक्त मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। तो ये गाइस यहाँ पर एंट्री है, ये एक्चुअली बेसमेंट है, तो ये बैरल्स वगैरह पड़े हैं यहाँ पर, तो ये अभी एम्प्टी है। तो एक्चुअली ये हमने धोए हैं अभी, तो ये जो आप देख रहे हो ये अभी हमने धो के रखे हैं। यहाँ पर पूरे बैरल भी पड़े हुए हैं आप देख सकते हो। तो इनमें क्या है, जो ये पैक है ऑलरेडी, इनमें होता है प्याज, ओनियन और गार्लिक, लहसुन होता है और अपना प्याज होता है। तो ये पैक करके स्टोर करके रखते हैं इसमें, और मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ यूज़ होते हैं। ये नीचे आप जितने भी देख रहे हो इसमें यही स्टफ पड़ा हुआ है, पुराना है, 6 महीने 7 महीने, जितना ओल्ड हो जाता है उतना बढ़िया होता है। अब मेरे साथ, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ना एक स्टूडेंट है, तो वो भी काम कर रहा है, वो ये धो रहा है इस वक्त। तो मैंने उसको बोला कि तू आ जा वीडियो में, तो कहता मेरे को शर्म आ रही है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, देखो यहाँ पर जो काम होता है शर्माने की, यहाँ पर ही क्वालिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैंने इसको बोला तो वीडियो में आ जा, मैं आपको दिखाता हूँ ये धो रहा है, पर वीडियो में नहीं आएगा। तो ये गाइस जो मैंने आपको स्टूडेंट बताया था वीडियो में नहीं आना चाहता, तो क्लीनिंग चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम बैरल्स हैं, धो रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो वो जो आप देख रहे हो वो लोडिंग का काम कर रहे हैं, जो भी ये मशीन गई है वो। बाकी और भी यहाँ पर बैरल्स पड़े हुए हैं, तो ये हमने क्लीन करने हैं। अंदर का काम मैं दिखाता हूँ जी। यहाँ पर काफ़ी टाइम से देखो, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर आपको एजेंसी भेजेगी ना, आपको वहीं काम करना पड़ेगा। पहले इन्होंने मुझे फ्लावर की कंपनी में भेजा, वहाँ पर काम बहुत इजी था, मैंने बहुत काम किया। तो अब मैंने ईस्टर में इनको बोला कि ईस्टर की छुट्टियाँ हैं, तो वो कहते हैं तू इधर आ जा। तो ये लोकल थी, सिटी में थी, ये बढ़िया था, पर काम इधर भी इजी है। काम इधर मैंने पहले बहुत किया है। बाकी आप देख रहे हो कि हम बाहर काम कर रहे हैं, आप पूछो कि ठंड लगती होगी, ऐसा कुछ होगा, तो आपको मैं टेम्परेचर बताता हूँ। इस वक्त 5-6 डिग्री टेम्परेचर है, मैंने जस्ट हुडी पहनी हुई है, तो ठंड तो है। देखो ग्लव्स आपने देखा, हम धो रहे थे, ग्लव्स पहने हुए थे प्रॉपर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठंड मैनेज हो जाती है। बाकी बारिश का सीन बना हुआ है, पता नहीं बारिश होती नहीं होती, अगर बारिश हुई तो वहाँ पर शटर लगा हुआ है, तो हम अंदर की साइड जाकर उसे धो सकते हैं बैरल्स को, तो बारिश की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। तो आप पीछे मेरे पैलेट देख रहे हो ना, ये सब पैलेट, तो इनमें एक्चुअली बॉटल्स हैं, कांच की बॉटल्स है। तो ये मशीन में जाती हैं और इनमें फिल होती है, वो मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या बनता है। ये जो आप बॉटल्स देख रहे हो ये जाएगी मशीन में, फिर इनमें फिलिंग होती है। ये बॉटल जैसे गिरी हुई है, ये इसलिए रुका हुआ है। तो ये लाइन स्टार्ट कर दी हमने। जैसे कि आपने देखा पीछे, तो वो बॉटल पीछे गिरी हुई थी, तो रुकी हुई थी लाइन, जैसे कि टोनी आया पीछे, वो टोनी है उसका नहीं, वो काम करता है यहाँ पर, तो उस लाइन को वो संभाल रहा है, तो उसने बॉटल वो लाइन चला दी। अब हम ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर भी दिखाता हूँ मैं। ये वाली जो बॉटल्स हैं ये देखो, ये प्लास्टिक की हैं, वो आपको मैंने कांच की दिखाई थी, तो ये यहाँ पर कांच की है, ये प्लास्टिक की है, इनमें भी फिलिंग होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा यहाँ पर क्या फिलिंग होती है। थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए, फिर आपको देखने में मज़ा आएगा। तो सारी स्टोरेज है, तो यहाँ पर ट्राले आते हैं और यहाँ से लोडिंग और लोडिंग का काम चलता है। यहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं ऊपर आया था, जहाँ मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर मशीन है और जहाँ पर ये आप देखो, आपके नीचे आपने देखी है बॉटल्स, तो जैसे आपने नीचे कांच की बॉटल देखी थी ना, तो ये ऊपर प्लास्टिक की बॉटल्स की लाइन है। तो ये मशीन है यहाँ पर, तो ये जो बॉटल्स हैं ये सभी बॉटल्स इस लाइन में जाती हैं, जो यहाँ पर बंदा काम करेगा वो इसमें डालेगा बॉटल्स, तो बस उसका काम यही है, उसने बॉटल्स ही डालनी है, इजी जॉब है। ये इनमें से यहाँ पर रखनी है बॉटल्स, तो ये लाइन चलती है, अभी ब्रेक है तो लाइन स्टॉप है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये पीसी पड़ा है यहाँ पर, तो ये आप जो देख रहे हो ये सॉस है, एक्चुअली ये सॉस है। तो गाइस यहाँ पर सॉस बनती है, कई तरह की बनती है, टोमेटो केचप बनती है, ब्राउन सॉस बनती है, कांच की बॉटल्स में क्वांटिटी कम होती है, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे मैंने आपको वो लाइन दिखाई थी, वहाँ से सॉस यहाँ पर आती है, फिर इसके बाद इसमें जाती है, तो सॉस इसके डालने के बाद ये बॉक्स आप देख रहे हो, ये वाले बॉक्स, तो यहाँ पर बॉक्स है, ये मशीन है ये वाली, तो ये जो आप देख रहे हो कार्डबोर्ड यहाँ से जाते हैं अंदर इसके मशीन में। हाँ जी,
तो यहाँ पे जो बॉक्सेस आते हैं तो ये बारकोड लगता है यहाँ पर ऑटोमेटिक, तो यहाँ से हम यहाँ पर पैलेट रख के इसको पैक होते हैं, तो पैकिंग होने के बाद ये ऐसा हो जाता है पैलेट तैयार। तो ये सारा प्रोसेस है, ऐसे पैकिंग होती है। ये मशीन यहाँ पर चार्जिंग पे लगी हुई है। तो उसके बाद ये जो आप मशीन देख रहे हो, जितनी वेस्टेज होती है प्लास्टिक की इसमें जाती है इस मशीन के अंदर, और यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो सब रैप हो जाता है प्रॉपर। तो इसकी रैपिंग ऐसे होती है पैलेट की। ये भी ऑटोमेटिक है, मशीन लगी हुई है यहाँ पर। तो ये रोल डालना है इसमें, डला हुआ है, ये भी चलेगा बहुत। तो उसके बाद इसको रैप कर देता है, ये घूमती है मशीन पूरी, वहाँ से प्रेस करूँगा तो ये घूमने लग जाएगी। तो ये आप जो पैलेट देख रहे हो ये तैयार हो चुके हैं, ये वाले तैयार हैं ऑलरेडी। वहाँ पर वो खाली बॉटल्स है पीछे, अगर कई बार किसी पैलेट में मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर फिर पैलेट आते हैं, तो यहाँ पर सब स्टोर किए जाते हैं और उसके बाद दोबारा से चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है। तो जैसे ये आप देख रहे हो कुछ बॉटल्स, तो ये चेकिंग हो रही है, इनमें से निकाल के जो ठीक हैं बॉटल्स वो अलग रखते हैं, जो ठीक नहीं है, जो गुड नहीं है तो वो अलग रखते हैं। तो जो ये वाला आप देख रहे हो तो ये गुड बॉटल्स हैं, ये अच्छी हैं, तो उनमें कोई फॉल्ट होगा जैसे कि ऊपर से कैप होगा या सॉस ओवरफिल होगी या लो होगी, तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रीवर्क होता है। तो काम देखो यहाँ पर जैसे आपको एजेंसी देती है तो आपको वहाँ करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको, आप अपनी मर्जी से बोलो कि हमने ये काम करना है वो काम करना है। तो जॉब यहाँ पर सभी बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी जॉब नहीं है, पैसे आपको अच्छे मिलते हैं। तो वहाँ से सॉस पैक होके आ रही है उस मशीन में, तो ये ऑटोमेटिक पैलेट पे जाएगी सभी जो मैंने आपको दिखाई है, ये बिल्कुल तैयार है। इस वक्त गाइस मैं कैंटीन में हूँ, तो आपको मैं कैंटीन पे दिखाता हूँ। बाकी एक पावर प्लांट है, पावर प्लांट सबसे टॉप पे है, तो वो मैं उधर गया नहीं। उधर जितने भी स्पाइसेस आते हैं यहाँ पर, तो सब स्पाइसेस का मिक्सचर वो मशीन के अंदर जाता है, तो वहाँ से वो पानी भी डालते हैं, बहुत बड़ा टैंक है, तो नीचे वो जाती है लाइन, तो फिर बॉटल्स में फिल होता है। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैंने आपको ओवरऑल दिखाया है। आपको मैंने पूरी तरह, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, मैंने आपको ओवरऑल दिखा दिया कि कैसे यहाँ पर काम होता है। अपने इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, जॉब करते हैं, और इस फैक्ट्री की खास बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो अगर आप 8 आवर्स की शिफ्ट करते हो तो 8 घंटे की शिफ्ट में आपको 2 ब्रेक्स मिलती हैं, 2 ब्रेक्स 20-20 मिनट्स की होती हैं और वो पेड होती हैं। अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हो, जैसे मैं फ्लावर कंपनी में, तो वहाँ हमें 30 मिनट्स की 15 मिनट्स की 2-3 ब्रेक्स मिलती थी, पर वो पेड नहीं होती थी, तो यहाँ वो ब्रेक्स पेड होती हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप 12 आवर की शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें आपको 3 ब्रेक्स मिलती हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा कैंटीन दिखाता हूँ, ये कैंटीन का एरिया। तो आधे बंदे जा चुके हैं, ये यहाँ पर अगर आपने कुछ खाना है तो ये लगी हुई है। तो ये कोल्ड ड्रिंक वाली मशीन है और ये वो कॉफ़ी वाली मशीन है। कॉफ़ी यहाँ पर फ्री होती है 2 टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में। अगर आप रेस्ट ऑफ द टाइम आते हो, किसी और टाइम आते हो, तो पेड करना पड़ता है। यहाँ अगर आपने सैंडविच खाना है तो मशीन लगी हुई है, तो इसमें पैसे डालने होते हैं, पेड होती है ये भी। वीडियो दिखाने का जस्ट मेरा मोटिव था कि देखो यहाँ पर जॉब तो करनी होती है, अगर आपने स्टडी करनी है, अपने आप लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने हैं, तो आप जॉब करते हो पार्ट टाइम। यहाँ पर जॉब के बिना आपका खर्चा नहीं निकलेगा, सभी को काम करना है, चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो। मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे हैं कि वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको काम करने की जरूरत नहीं है, पर वो भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम खुद अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहते हैं, हम घर वालों के उनसे पैसे नहीं मांगना चाहते, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आप 500, 600, 700, डिपेंड करता है आप कितना काम करते हो, 20 आवर्स आप करते हो, वो मैंने बताया हुआ आप कितना अर्न कर सकते हो, तो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस ईजिली कवर कर सकते हो। तो साथ के साथ तो अपनी स्टडी करो, ऐसे जॉब करो, सारी ज़िंदगी ये काम नहीं करना है, स्टडी करने के बाद अच्छी जॉब ढूंढनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी करना है। तो गाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो का एंड करता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाकी मैं थोड़ा बाहर था, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।